ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। तो इसी चैनल में मैं आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। तो इंडोनेशिया जो एक देश है, साउथ ईस्ट एशिया में एक लोकेटेड देश है इंडोनेशिया। इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया अभी गोल्डन वीज़ा स्टार्ट करने जा रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा क्या होता है? गोल्डन वीज़ा बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे देश अपने अपने देश में स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्टार्ट कर चुका है, पोर्चुगल स्टार्ट कर चुका है, स्पेन स्टार्ट कर चुका है, कैम्बोडिया, देन आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, देन आपका थाईलैंड, ये सब देश गोल्डन वीज़ा स्टार्ट कर चुके हैं। तो गोल्डन वीज़ा किसके लिए है? ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है, देन एंटरप्रेनर्स के लिए है एंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो अलग अलग टाइप का स्कीम्स रहता है, तो आपको अलग अलग टाइप का स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के बाद आपको 10 साल का वीज़ा मिलेगा, इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा, 5 साल का इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा, तो आप उस देश में रहकर बिजनेस कर सकते हो। जैसा कि यूएई ने स्टार्ट किया गोल्डन वीज़ा, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई जिसका प्रमुख शहर है, तो यूएई ने 10 साल का वीज़ा दे रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। तो इंडोनेशिया ऐसा स्टार्ट किया गोल्डन वीज़ा। तो इंडोनेशिया जो गवर्नमेंट, उनका एम है 5.2% उनका जो जीडीपी को ग्रो करना है, और उनका जो एम है, टारगेट है 105.5 बिलियन डॉलर का कलेक्शन करना है ये गोल्डन वीज़ा के तहत। ऑल्सो 123 मिलियन डॉलर ऑलरेडी ये कलेक्शन हो चुका है, 123 मिलियन डॉलर कलेक्शन हो चुका है। तो इंडोनेशिया में क्या है जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए, स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए? जैसे कि यूएई में स्किल्ड प्रोफेशनल किसको दे रहा है? तो डॉक्टर्स को देता है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल को देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देता है। तो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर्स हो गया, देन आपका जो बहुत सारे जो स्किल्ड प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो वो कुछ कम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको ज़्यादा लॉन्ग टर्म वीज़ा कंट्रीज देते हैं, ताकि वो उनका देश में काम करें और उनका देश का जीडीपी बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। ऐसा इंडोनेशिया में 3 टाइप का कैटेगरी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया इन्वेस्टर्स, और दूसरा हो गया आपका जो एंटरप्रेन्योर्स, तीसरा हो गया आपका स्किल्ड प्रोफेशनल्स। स्किल्ड प्रोफेशनल्स में हो गया इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स और रिटायर्ड पर्सन्स। जो आपके पास एग्जाम्पल, आप एक स्किल्ड प्रोफेशनल हो, आप ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हो, तो आप कोई दूसरे कंट्री में पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहाँ आराम करना चाहते हो, तो आप इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप एक डॉक्टर हो, आप इंडोनेशिया में खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट करके आपको 5 साल 10 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर आप उस वहाँ पर क्लिनिक स्टार्ट करके आप पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो होते हैं जो उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो सर्टन टाइम के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई भी देश में, फिर उसका पैसा लाभ उठा लेते हैं, बाद में वो फिर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस बंद कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? तो एंटरप्रेन्योर्स लॉन्ग टर्म का गोल देख के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इंडोनेशिया के ऐसे देश है जहाँ पर टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म फ्लोरिश करता है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इस देश में आते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और बड़ा इंडस्ट्री और माइनिंग। इंडोनेशिया में काफ़ी सारे हज़ारों के हिसाब से पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है, माउंटेन्स है एंड आइलैंड्स है, और हर माउंटेन में वहाँ पर बहुत सारे टाइप का आपका ओर्स मिलता है, और वहाँ पर क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ मिलता है, जो वहाँ पर काफ़ी सारे, जैसे कि आयरन ओर हो गया, अल्मीनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारे वहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल है वहाँ का पहाड़ी में। तो ये जो एम किया गया है, इंडोनेशिया का गवर्नमेंट जो बनाया है, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बनाया है, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, तो माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ेगा तो वहाँ का लोकल लोगों को नौकरी मिलेगा, लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी को काम मिलेगा, तो उनके साथ साथ माइनिंग कंपनी के साथ साथ काफ़ी सारे लोकल कंपनी को भी फायदा मिलेगा। तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला हो गया बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो मिनिमम 2.5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना है। तो 2.5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल का वीज़ा मिलेगा, अगर आपको 5 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 10 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आता है बैंक डिपॉजिट। अगर आपको बैंक डिपॉजिट करना है, इंटरेस्ट लेना है, तो आपको बैंक डिपॉजिट में 3,50,000
डॉलर वहाँ का बैंक में डिपॉजिट करोगे आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 ईयर्स वीज़ा मिलेगा। अगर 350,000 डॉलर आप इन्वेस्टमेंट आई मीन बैंक में डिपॉजिट करते हो, आई मीन आपका जो एफडी में करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो 350,000 डॉलर में, तो 5 साल का वीज़ा मिलेगा। और अगर आप सात लाख डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10 साल का वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आता है रियल इस्टेट प्रोग्राम है, रियल इस्टेट हो गया, आप वहाँ का जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ में आप खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 99 ईयर्स लीज रहेगा या फ्री होल्ड रहेगा। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में $1 मिलियन का अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा। मिनिमम आपका $1 मिलियन अगर इन्वेस्टमेंट करते हो कोई भी रियल इस्टेट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आप बाय करते हो $1 मिलियन का, तो आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा। डिटेल्स में बता दिया इंडोनेशिया का इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये जो इन्वेस्टमेंट बता दिया, तो आप इंडोनेशिया का कोई भी वहाँ का लोकल लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लोकल लॉ फर्म्स आपको हेल्प करेंगे वहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है आने वाले दिनों में। तो इंडोनेशिया के बारे में बता दिए, तो आने वाले दिनों में काफ़ी सारे हम अलग अलग देश के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर वीडियोस ला रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।